बोलिए देवादि देव आदिनाथ भगवान की जय। चलेंगे हम सुरक्षा चक्र की ओर। अच्छा ये साउंड तो म्यूट था, साउंड नहीं सुनाई आया होगा। अच्छा साउंड म्यूट था, साउंड नहीं सुनाई आया क्या? अच्छा चलिए देख तू लिया अपने। बोलिए देवादि देव आदिनाथ भगवान की जय। दोनों हाथ सामने, कसाईयों को नित्य ही हम श्रमण करते आ रहे हैं। कसाईयों का क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, मानम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश जिन, वास पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंत अरु मल्लिमणाय, मुनिशुवत नमी नेमी पाश प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 तीर्थंकर आपके हाथों में विराजमान है। उन्हीं ऊर्जावान हाथों से अपने हृदय कमल पर गोल्डन कलर का 8 पंखुड़ियों का एक कमल विराजमान करें। उसके मध्य में ठीक कणिका के ऊपर अरहम विराजमान करिए। अरहम की एक रे पूर्व दिशा में जा रही है, वहां आपको हवा में अ लिखना है। दूसरी रे दक्षिण दिशा में, जहां आपको र विराजमान करना है। तीसरी रे जा रही है पश्चिम दिशा में, जहां आपको हवा में ह विराजमान करना है। चौथी कणिका की रे उत्तर दिशा में, जहां आपको म विराजमान करना है। चारों ही मंगलकारी बीज मंत्र को 4 आराधना से जोड़ देंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। एक आपकी सुरक्षा कैप तैयार हो गई अरहम की। उस अरहम की कैप को शीश पे धारण करिए, जो आपको आपकी तेजस किरणों से सुरक्षित कर रही है। 9 प्रकार की लेयर आप देखोगे, पूरी तेजस लेयर गोल गोल करके आपको सुरक्षित कर रही है अरहम की ध्वनि से। अरहम 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 सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्रायण मो नमः। अरहम शब्द पूर्ण मन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए भक्तांबर महास्तोत्र की जय। मानतुंग स्वामी जी की जय। आज हम चलेंगे, हमारे अष्ट प्रातिहार्य समाप्त हुए हैं। अष्ट प्रातिहार्य के बाद भी मानतुंग स्वामी जी का मन नहीं भरा। इतनी बड़ी विभूति समो शरण में प्रदान कर दी, इतना बड़ा वैभव। प्रातिहार्य क्या है? प्रातिहार्य भगवान का वैभव है। भगवान का वैभव प्रदान करने के बाद भी स्वधर्म इंद्र की भक्ति तो देखो, उसका मन नहीं भरता।
और आगे 36 नंबर काव्य जो आ रहा है उसमें विहार प्रातिहार्य का वर्णन, सौधर्म इंद्र की भक्ति का वर्णन आ रहा है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो अष्ट प्रातिहार्य के एक एक दिन अलग अलग ध्यान किए हैं, अष्ट प्रातिहार्य के 8 दिन तक एक एक प्रातिहार्य पर एक एक ध्यान हमने किया है। वो अष्ट प्रातिहार्य हमें क्या सिखाते हैं? पहला जो प्रातिहार्य था अशोक वृक्ष, उसको मैं थोड़ा रिपीट करके आगे चलूंगी। पहला प्रातिहार्य अशोक वृक्ष जो हमें सिखाता है, शोक नहीं करना, क्रोध मान माया लोभ नहीं करना सिखाता है। दूसरा जो प्रातिहार्य है, सिंहासन प्रातिहार्य ने हमें अहंकार के आसन से उतरकर आत्मा सन्न होना सिखाया है कि अहंकार को छोड़ो। अहम का जो सुरक्षा चक्र हमने बताया, अहम अहंकार को नष्ट करने के लिए है। तीसरा जो चवर प्रातिहार्य है, चवर प्रातिहार्य फिर झुकता फिर उठता, चवर प्रातिहार्य फिर झुकता फिर उठता, फिर झुकता फिर उठता। तो हमें चवर प्रातिहार्य क्या सिखा रहा है? झुकना सिखा रहा है। यदि हम में विनय नहीं रही, हम झुकेंगे नहीं तो हम में विनय कहां से आएंगी? हमें विनयवान होना सिखाता है। चौथा प्रातिहार्य जो है छत्रस्य प्रातिहार्य, छत्रस्य प्रातिहार्य हमें क्या सिखा रहा है? छत्रस्य प्रातिहार्य ने हमें प्रभावना करना सिखाया है। चंद्रमा को भी लगता है कि मेरा अस्तित्व नष्ट हो रहा, मेरा परिवार सूर्य आदि नक्षत्र तारों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो प्रभु के शीश पे चंद्रमा जाकर छत्र के रूप में विराजमान हो जाता है। छत्रत्रय प्रातिहार्य हमें प्रभावना करना सिखा रहा है, वो प्रभु की प्रभावना करता है। चार प्रातिहार्य जो है ये मणिमुक्त से सजे हुए है। चारों प्रातिहार्य चार घातिया कर्म को नष्ट कर चार चतुष्टय को धारण करने से इसका संबंध बताया जाता है, क्योंकि ये 8 प्रातिहार्य है और 8 कर्म ही हमें नष्ट करना रहता है। उसके बाद आगे पांचवा जो दुंदुभि प्रातिहार्य है, दुंदुभि प्रातिहार्य ने हमें छत्रत्रय प्रातिहार्य ने हमें भक्ति करना सिखाया है। छत्रत्रय प्रातिहार्य प्रभावना ने, छत्रत्रय प्रातिहार्य जो चतुर्थ प्रातिहार्य है उनने हमें भक्ति करना सिखाया कि प्रभु की भक्ति कैसे हम कर सकते हैं। प्रभु की भक्ति करना हमें छत्रत्रय प्रातिहार्य ने सिखाया। और उसके बाद पांचवा जो दुंदुभि प्रातिहार्य है, दुंदुभि प्रातिहार्य ने हमें प्रभावना करना सिखाया। ढोल मजीरा बजते हैं तो लोगों को लगता है अरे कुछ हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ तो हो रहा है। दुंदुभि जब 12.5 करोड़ दुंदुभि बजती है तो जो लोग समोशरण में नहीं पहुंचे हैं उनके लिए वो इनविटेशन कार्ड होता है। प्रभावना होती है कि प्रभु को केवल ज्ञान हो गया, समोशरण दस दिया गया है, चलो चले समोशरण में। दुंदुभि हमें प्रभावना सिखाती है, छत्रत्रय हमें भक्ति करना सिखाता है। और दुंदुभि के बाद पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य, ये देखिए पुष्प आज मेरे पास भी है यहाँ, ये पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य, पुष्प देखिए कितने रंग बिरंगी, ये पुष्प हमें क्या सिखा रहे हैं? पुष्प की दो विशेषता है, ये स्वयं भी खिलता है और दूसरों को भी खिलाता है, स्वयं भी महकता है दूसरों को भी महकाता है। पुष्प को देखते ही हमारे मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। आज भी हमें 36 नंबर श्लोक के माध्यम से कमल पुष्प की चर्चा हम करेंगे, उसी का ध्यान करेंगे। उसके बाद पुष्प वृष्टि हमें खिलना और खिलाना सिखाती है और वीतराग मुद्रा को निहारना सिखाती है, अपना सब कुछ समर्पण करने के भाव, जैसे पुष्प किसी के भी ऊपर समर्पित होते हैं उसी प्रकार पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य अपना सर्वस्व समर्पण करना सिखाता है, क्योंकि बिना समर्पण के श्रद्धा नहीं होगी और श्रद्धा और समर्पण नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो सकती।
इसलिए पुष्प वृष्टि से हमें समर्पण के भाव आते हैं। उसके बाद भामंडल प्रातिहार्य हमने भावों की संभाल करना सीखे उसमें कि शब्द समारी बोलिए शब्द के हाथन पाओ, एक करे मरम पट्टी दूजा करेगा, वचन अनमोल है तोल मोल के बोलना है, अपने भावों की संभाल करना है, ये हमने सीखा। और आठवां जो प्रातिहार्य था दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य, जो विद्या और सरस्वती का सूचक, आईक्यू और मेमोरी बढ़ाने वाला, बुद्धि का विकास करना और विद्या को ग्रहण करना, यह सिखाता है। प्रभु की वाणी को अपने अंदर अनुग्रहित करना सिखाता है। इस प्रकार से अष्ट प्रातिहार्य के वर्णन हुए। फिर भी अब मान तुंगा आचार्य जी का मन नहीं भरा। कौन कहता है कि ये रचना जेल में हुई, लगता है साक्षात समोशरण में ये भक्तांबर की रचना हो रही है। जहां प्रभु है वहां तो समोशरण बन ही जाता है, वो जेल भी है तो क्या हुआ, वो समोशरण बन चुका है। और उस समोशरण से जो अष्ट प्रातिहार्य से समोशरण सजाया गया है, वहां तक मन नहीं भरता। और सौधर्म भिन्द भिन्द सौधर्म इंद्र की भक्ति को देखो। आगे 36 नंबर के काव्य से हम और जानेंगे कि कैसी सौधर्म इंद्र की भक्ति का वर्णन मानतुंग जी करते चले आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब 36 नंबर का काव्य हम लेते हैं, बहुत अच्छा काव्य 36 नंबर का, जिसमें बिहार प्रातिहार्य का वर्णन आएगा। प्रातिहार्य तो आठ ही होते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल प्रातिहार्य जोड़ दिया गया है इसमें, बिहार प्रातिहार्य 36 नंबर का श्लोक। और ये देखिए 36 सर्व संपत्ति लाभदायक, मेटल आदि किसी की बिजनेस के कार्य आदि रुके हैं, संपत्ति के कार्य उसके लिए होता है व्यवहार से, लेकिन हम निश्चय से इसे समझेंगे तो निश्चय से 36 नंबर का श्लोक जिन गुण संपत्ति के लिए है। आप इसमें कमल की रचना भी होते हुए देख रहे हैं, ये देखिए पढ़ लेते हैं। उन्नीत हे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल सन्नख मयूख शिखाभिराम पादो पदाणि तव यत्र जिने इंद्र धत्ता पद्माणि तत् विभुदा परिकल्पयन। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, प्रभु की दृष्टि समोशरण में। मानतुंग जी प्रातिहार्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते करते भगवान के विहार के वैभव का वर्णन करने लगे। वो महावैभव उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, एक एक प्रातिहार्य के माध्यम से हमने समझा। अष्ट प्रातिहार्य वाला वैभव प्रभु को कैसे प्राप्त हुआ, धीरे धीरे उसका वर्णन करते करते हमारा मन नहीं भर रहा है। और आगे मानतुंग जी ने विहार प्रातिहार्य बताते हुए कह दिया, भगवान के विहार का वर्णन कर दिया, कितना आकर्षक और अद्भुत दृश्य होगा कि जब समोसरण से भगवान उठ के आ रहे हैं। और सौधर्म इंद्र की भक्ति तो देखो, साथ साथ स्वर्ण कमलों की रचना आगे पीछे दिशा विदिशाओं में करते चले जा रहा है। जिस वैभव की ओर प्रभु ने एक नजर उठाकर भी नहीं देखी, पूरे के पूरे समोसरण की विभूति छोड़कर चल दिए। क्यों चल दिए, क्या थी उन्हें जरूरत समोसरण में, रत्न जड़ित समोसरण से उठने की। आराम से बैठे थे कमलासन पर, चार अंगुल ऊपर स्थित, भवि भागण वश जोगे वशाय, हम जैसे भोले भाले भव्य जीवों के प्राणों को मोक्ष का मार्ग
मोक्ष का कल्याण कराने के लिए सौधर्म इंद्र जब उनके सामने आग्रह करता है कि हे प्रभु, जो लोग शमो शरण में नहीं पहुंच चुके, ऐसे भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने चलिए, उठिए, विहार करिए। प्रभु सौधर्म इंद्र की भक्ति से विहार नहीं करते कि सौधर्म इंद्र ने अपनी भावना रखा, उसकी जनकल्याण की भावना सौधर्म इंद्र की, कि जो समोशरण में नहीं पहुंचे वो भी ऐसी अद्भुत भगवान की वाणी सुन ले, इसलिए प्रभु के सामने याचना कर रहा है कि प्रभु विहार करो, चलो आर्यखंड के जीवों का आत्म कल्याण करने के लिए। 5000 धनुष ऊपर पृथ्वी तल से प्रभु विराजमान है, केवल ज्ञान हो चुका, वाणी खिर चुकी, कल दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य हमने देख लिया, दिव्य ध्वनि खिर चुकी, अब प्रभु विहार कर रहे हैं, उनके साथ सारे विद्याधर रिद्धिधारी मुनिराज, कोई देवगण अपने अपने विमान से, रिद्धिधारी मुनिराज रिद्धि के बल से उनके साथ विहार करने लगते हैं। विद्याधर लोग विमानों से, भगवान लोग आकाश गामन से उनके साथ विहार करने लगते हैं। केवल ज्ञान के बाद रिद्धि के बल से, विद्या के बल से चलने लगते हैं, लेकिन कुछ श्रावक लोग वही समोशरण में बैठे रहते हैं। जैसे ही विहार होता है रोने लगते हैं कि मेरे प्रभु कहाँ चले। आर्यखंड के भव्य जीवों की भाग्य तो देखो, भवि भागन बस जोगे वशाय, प्रभु विहार करते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार वहां करते हैं, अपनी वाणी से प्रचार प्रसार करते हैं। और वह प्रभु की वाणी सुनकर और जहां जहां आर्यखंड में प्रभु जाते हैं वहां वहां समो शरण की रचना कर देता है सौधर्म इंद्र। 15 स्थानों में ऐसा उल्लेख आता है, 15-15 स्वर्ण कमल, 15-15 स्थानों में 225 स्वर्ण कमल की रचना होते चली जाती है। आपके पावन चरण युगल नूतन स्वर्ण कमल के समान कांतिमान है, उनके नखों से चारों दिशाओं में चमचमाती मनोहर किरणें विस्तृत हो रही है। धर्मोदोष धर्मोपदेश करने के लिए गमन करते समय आर्य क्षेत्र में जहां जहां चरण युगल रखे जाते हैं वहां वहां पर भक्ति में रत देवगण आपके चरण युगल के नीचे स्वर्णमय दिव्य कमलों की रचना करते चले आते हैं। 225 कमलों की रचना, एक बीच में, 7 आगे, 7 पीछे, 7 दिशाओं में, 7 विदिशाओं में, 25-25, 15-15 इंटू 225। प्रत्येक कमल जो है स्वर्ण का होता है, उसको छूते भी नहीं है, क्योंकि भगवान बनने के बाद संसार के किसी वस्तु को नहीं छूते, किसी वस्तु को नहीं छूते। कमल पर भी 4 अंगल ऊपर विराजमान रहते हैं समो शरण में, और यहां पर भी आप देख रहे हो किस प्रकार से ऊपर है। इसका एनिमेशन जरूर मैं दिखाती हूं तो आपको समझ में आएगा। प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से हम कहते हैं आपको एनर्जी लो, तो वो एनर्जी कैसे निकलती है आप देखोगे। प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से, ये प्रभु देखो कमल पर विराजमान सौधर्म इंद्र की भक्ति आप देख रहे हैं, देखेंगे इसको। ये जो स्टार दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, ये प्रभु के नाखून और चरण भी लाल रहते हैं और कमल भी लाल है। इनकी कांति सोचो कितनी तेज होके बरस रही है, ये स्टार की भांति एनर्जी निकल रही। इस एनर्जी को हमें अपने ऊपर विराजमान अपने अंतस्थल में लेना है। देखिए ये यहाँ पर ये जो क्रियाएं है ये सब सहज होती है,
सरलता से होते रहती है, सहजता से होती रहती है सारी क्रियाएं, चलना, कमलों का खिलना, सब सहज और अपने आप होते रहती है क्रियाएं। इस प्रकार से बताने को तो बहुत कुछ है, समय का अभाव है। भगवान के केवल ज्ञान के प्रभाव से असमय में ही फल फूल खिलने लगते हैं, भूमि कंटक रहित होने लगती है और भरतेश विनीता नगरी में अपने राजा राजप्रसाद में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जब भगवान को केवल ज्ञान का संकेत मिलता है तो भरतेश दरबार में आकर भरतेश को शुभ संदेश मिलता है कि भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी आयुषशाला में रक्षा करने वाले अनुचर आकर भरतेश को सूचना देते हैं तो भरतेश वहीं से नमस्कार करता है प्रभु को। उनका हृदय गदगद हो गया कि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और वहीं मंच से प्रभु को वो दर्शन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पुष्प और भी हम ध्यान के माध्यम से क्लियर करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें बताने की, ध्यान के माध्यम में और भी चीजें हम बताएंगे ताकि रिपीट ना हो। और आगे अब हम इसके मंत्र रिद्धि ले लेंगे। मंत्र रिद्धि ओम रीम श्रीम कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षे आकर्षे आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद मम समीहितम गुरु गुरु स्वाहा। ओम भीम श्रीम आपको पता है कलिकुंड दंड स्वामी न आगच्छ आगच्छ। यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा है कलिकुंड। कलिकुंड यानी ये काजल की काली कोठरी है संसार, इसको काजल की काली कोठरी कहा जाता है। और इस काजल की काली कोठरी पर विजय प्राप्त करना, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना, वो कलिकुंड है। मृत्यु को वश में करना उसे कलिकुंड कहा जाता है। कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ आगच्छ। स्वामी आगच्छ आगच्छ यानी आओ मेरे हृदय में आओ, क्योंकि यहाँ का क्या है उन्नीद्र हेम नव पंकज। उन्नीद्र यानी निद्रा से रहित, अब जागो, निद्रा से रहित हो, जागो जागो प्रभु जागो। आगच्छ आओ प्रभु आओ, मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। हमेशा आपके हृदय में, मेरे हृदय में आपके दोनों चरण रहे और मैं आपके चरणों में रहूं। तेरे चरण कमल दय गुरुवर रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे ही सदा चरणों में तेरे। आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्राण, आइए प्रभु आइए मेरे आत्मा में विराजमान होइए, सारे अहित को नष्ट कर दीजिए और आत्म रूपी जो मंत्र है, जो मेरा आत्मरूपी स्वामित्व है, मेरा हृदय भी मंत्र बन जाए, मेरी आत्मा पवित्र हो जाए और ऐसा पवित्र होए कि उसका आकर्षण चारों दिशाओं में फैले। आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष, मेरी जो आत्मा है वो मंत्र बने, उसकी रक्षा होए, हे प्रभु उसकी रक्षा करो। वो विषय कषाय रूपी चोर जो चारों ओर फिर रहे हैं वो उसको डसे ना, वो उसको कसे ना। कषायों से हमारी आत्मा कसी रहती है और पंचेंद्रिय रूपी चोर बहु चारों ओर बहु चोर फिरत है, उन चोरों से मेरे आत्मा की रक्षा होए। परमंत्रान परम मंत्र जो है नमोकार मंत्र है, जिससे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई, बीजा अक्षर की उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो परम मंत्र है उस परम मंत्र को मैं पढूं और अपने कर्म को छिंद छिंद भिन्न भिन्न करूं। कर्मों के आने के जो
छिद्र है उन कर्मों के आने के, जो होल है, छिद्र है, दरवाजे है, 57 प्रकार के आश्रव, उन आश्रव को मैं बंद करूं, वो कर्मों के आने के द्वार को मैं बंद करूं। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, क्यों आश्रव को रोके संवर भैया क्यों नहीं मन लाता। अपने आत्मा में समाहित कर लीजिए वो परम मंत्र को, और परम मंत्र के द्वारा सभी संसार के जो छिद्र है कर्मा आश्रव के, उसे बंद कर दीजिए और मृत्यु दंड जन्म जरा मृत्यु को जीत लीजिए, जो हर पर्याय में मृत्यु दंड हमें मिल रहा है, कली कुंद दंड मृत्यु दंड। परम मंत्रान परम यानी परम मंत्र के द्वारा सारे संसार के कर्म आने के द्वार में बंद कर दूं। 57 द्वार आने के हैं, उसमें संवर की 57 डांट लगा दूं और उसको बंद कर दूं। परम मंत्र से मम समीहितम, जो मेरे हित के लिए है उसको करूं, इसलिए मैं बार बार अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं प्रभु, अपने आप को स्वाहा कर रहा हूं। बिना समर्पण के भक्ति नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ पर अपने आत्म रक्षा करो परम मंत्र से और अपने कर्मों को छिन्न छिन्न करो। जैसे नाव में यदि होल हो जाए तो पानी अंदर आ जाता है नाव में, फिर हम डॉट लगाते हैं तो पानी रुक जाता है, तो वो कर्मों के आने का द्वार है। हम द्वार से आते हैं, सोफा में बैठ जाते हैं अपने घर के, कर्मों का आना द्वार से आना यानी कर्मों का आना, सोफा में बैठना यानी वो कर्म बंद मेरे आत्मा में चिपक जाना, दरवाजे बंद कर दो यानी संवर से कर्मों को आने के डॉट लगा दो, संवर से कर्मों को रोक दो। बारह भावना में संवर के 57 डॉट की भी चर्चा है, क्योंकि ये संसार रुकने के लिए नहीं है, संसार गुजरने के लिए है। जिस प्रकार से रोड बनती है तो रोड हमें घर तक पहुंचाती है, उसके बाद हमें रोड को छोड़ना पड़ता है। यदि आप रोड पे रुकने के भाव रखोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो रोड आपको घर तक ले जाने का रास्ता बता रही है। जो रोड अभी हमारे यहाँ सामने कल काम हुआ तो वो रोड देखकर याद आ गया कि ये जो रोड बन रही है ये हमें घर तक ले जाने की, घर तक, आपके घर तक पहुंचाने का रास्ता बताती है। कल जब मैं खड़ी देख रही थी डामरीकरण हो रहा है, तो उसको डामरीकरण को गेट तक चिपका दिया जा रहा था, तो मैं बोली ये रास्ता पूरा गेट तक चिपक रहा है, हमारे मेन गेट तक, वो वहीं तक चिपक सकता है, अंदर नहीं आ सकता वो डामर, वो वहीं तक रहेगा डामरीकरण। वो रास्ता हमें घर के अंदर आने का मार्ग बता रहा है, वो वहीं तक छोड़ने के लिए है, वो रास्ता घर के अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं है। इसी प्रकार से ये संसार जो है मिला है हमें, यह संसार भी मोक्ष का रास्ता बताने के लिए है। हम संसार में आए हैं यहाँ के दुखों से भयभीत होकर, ये पुल है संसार रूपी पुल गुजरने के लिए, एक पुल है इससे हमें गुजरना होगा। इस पुल से गुजरकर ही, संसार से पार होकर ही हम मुक्ति रूपी द्वार पर प्रवेश करते हैं। और ये संसार जो है ये मुक्ति रूपी नगर के अंदर प्रवेश करने वाला एक रोड है, एक रास्ता है। रास्ता का उदाहरण देने का मतलब है कि हमें मुक्ति नगर में जाना है तो ये संसार जो है ये हमें मुक्ति नगर में पहुंचाने का मार्ग है, लेकिन इसे छोड़ोगे जब ही मुक्ति रूपी घर में प्रवेश करोगे।
ये संसार रुकने के लिए नहीं है, यहां रुकोगे तो फंस जाओगे। जिस प्रकार रास्ते घर में प्रवेश करने के लिए है, उसी प्रकार ये संसार मुक्ति नगर में प्रवेश करने के लिए है। इस संसार में नहीं आओगे तो मुक्ति भी नहीं जा पाओगे। मुक्ति कैसे पाओगे? भक्तात्मा परमात्मा से कह रहा है कि जल से एक भिन्न कमल है, कमल जल से भिन्न है, कीचड़ से भिन्न है, चाहे जितना आ जाए। कमल क्यों चुना गया, ये सब चर्चा अभी हम ध्यान में करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित हमारे हाथ पैर सारे दिखते हैं, किंतु उसका एक अंश भी दर्पण के अंदर समाहित नहीं होता। उसी प्रकार संसार में हम रहे पर संसार की एक भी चीज हमारे अंदर प्रवेश ना करे, इसी भावों के साथ मम समीहितं, मैं अपने हित के लिए प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, कर रही हूं नहीं, कर रहा हूं, क्योंकि आत्मा पुल्लिंग है। रिद्धि ओम ह्रीम अरम नमो विठो सही पत्ताणम झोम झोम नम स्वाहा। विठो सही पत्ताणम यानी क्या? दो चीज आती है यहाँ, एक विप्पो सही पत्ताणम आता है और एक विठो सही पत्ता मान, यहाँ विठो सही लिया है। विठो सही यानी जिनकी विष्ठा, जिनकी विष्ठा औषधि रूप को प्राप्त हो जाए वो विष्ठो सही, वो विठो सही पत्ताणम। और ओम रीम अरम नमो का अर्थ आपको पता ही है, मैंने बता दिया है। ओम यानी पंच परमेश्वरी, रीम में 24 तीर्थंकर, अरम जो हमारे अहंकार को नष्ट करेगा, तभी तो विठो सही पत्तानम होगा। भावना तो भाव कि जिनकी विष्ठा भी औषधि रूप को प्राप्त हो जाती है विठो सही। और विप्पो सही भी कहीं आता है ना, तो विप्पो सही यानी जिसका मलमूत्र जो औषधि पड़े को प्राप्त हो जाता है, ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को योगियों को यहाँ नमस्कार 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 किया गया है। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय। अब हम ध्यान की ओर चलेंगे, आज हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। हमारा ध्यान आज 36वें बिहार प्रातिहार्य का ध्यान हम करेंगे, 36वें काव्य का। प्रातिहार्य 8 ही है, 35 नंबर तक, लेकिन करे क्या, सौधर्म इंद्र की भक्ति मान नहीं रही, एक्स्ट्रा दो उन्होंने प्रातिहार्य जोड़ दिए है 36 और 37 में। आज हम कमल प्रातिहार्य बिहार प्रातिहार्य के रूप में करेंगे और कल फिर हम समोषण प्रातिहार्य की एक बार फिर चर्चा करेंगे। तो आज हम बिहार प्रातिहार्य का वर्णन करने आ रहे हैं, उसके लिए आपका जो सिंबल है, ये सिंबल है बिहार गमन प्रातिहार्य का आकार और सिंबल, आकार और सिंबल, ये आकार सेप और ये सिंबल। बहुत अच्छा कलरफुल सिंबल। आपको अपने दोनों आज्ञा चक्र पर इस सिंबल को बना लीजिए या धारण कर लीजिए। ये देखिए 16 इसमें घर है। 16 घर क्यों है पता है? क्योंकि 16 कारण भावना के प्रतीक है। 16 कारण भावना जो भाता है उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ये 16 कारण भावना के भाव आप अपने आज्ञा चक्र पर बना लीजिए हाथों से। 16 घर आपने बना लिए, 16 डब्बे, उसमें ओम राम रीम श्रीम म हाम रीम क्लीम च ह हु ह हुम हुम म य र ह, ये बीजाक्षर स्थापित कर लीजिए, जो कि पूरे संसार सागर से दूर करने वाले बीजाक्षर, कल्याणकारी समहित वाले मम हित वाले बीजाक्षर है। इसको आपके आज्ञा चक्र पर धारण करिए और आज्ञा चक्र पर धारण कर इसकी एनर्जी को महसूस करिए। अब तो आज्ञा चक्र भारी लग रहा होगा, दोनों भोग के मध्य में ठीक इस सिंबल को आपने धारण किया है, आपका आज्ञा चक्र भारी लग रहा होगा, आपको भारी महसूस हो रहा होगा आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर भारी महसूस हो रहा है, एनर्जी का एहसास करिए पूरे शरीर में, वाइब्रेशन कंपन, क्योंकि इतने महान बीजाक्षर आपके आज्ञा चक्र पर स्थापित हुए हैं।
और कंपन होते ही आपके हृदय स्थान से 3 बार ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी श्वासों के साथ ओंकार की ध्वनि, लंबी गहरी ध्वनि आपके अंदर प्रस्फुटित, 3 बार ओम का उच्चारण। ओ विचार करिए, सोचिए, 36 नंबर प्रातिहार्य का वर्णन करने की जरूरत क्यों पड़ी? सोचिए, कमल के ही पुष्प को क्यों लिया गया बिहार प्रातिहार्य में? विचार करिए, चिंतन करिए, बिहार प्रातिहार्य क्यों लिया गया यहाँ? क्यों सौधर्म इंद्र ने बिहार प्रातिहार्य का वर्णन, मानतुंगाचार्य जी ने सौधर्म इंद्र की भक्ति देखते हुए क्यों किया है? विचार करिए, चिंतन करिए, सोचिए। हमने अपने नाभि मंडल को सिंहासन बनाया था और उस कमल सिंहासन पर प्रभु को विराजमान हृदय स्थान में किया था। उस पे चवर ढोरे थे, छत्र चढ़ाए, दुंदुभी वाद्य दोनों हाथों से हमने चवर बनाए थे। अपने हाथों से हमने दुंदुभी बनाई, प्रभावना की, पुष्प वृष्टि हमने की और उसके बाद पुष्पवृष्टि के बाद दिव्य ध्वनि भी कल हमने अपने अंतरंग में प्रवेश करवाई। दिव्य ध्वनि हमारे अंतरंग में प्रस्फुटित हुई प्रभु की वाणी। लेकिन विचार करिए, बिहार प्रातिहारी क्यों? सौधर्म इंद्र की भक्ति तो देखो, दिव्य ध्वनि के बाद सौधर्म इंद्र प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने पहुंच गया कि प्रभु, जो लोग समो शरण में नहीं आ पाए उनकी भाग्य उज्जवलित करने के लिए, उनका आत्मकल्याण करने के लिए, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रभु विहार करिए, उन्हें धर्मोपदेश दीजिए। सौधर्म इंद्र के कहने से बिहार नहीं होता, सारी क्रियाएं सहज सरल अपने आप होती है प्रभु की। किसी की कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन करे क्या? सौधर्म इंद्र की भक्ति है। सौधर्म इंद्र को लग रहा है कि संसार के सभी प्राणी मोक्ष कल्याण की वाणी सुने और अपना आत्म कल्याण करे। इसी भावों को लेके सौधर्म इंद्र प्रभु के चरणों में विनती करने पहुंचता है कि प्रभु उठिए, चलिए बिहार करिए। वो सारी क्रियाएं सहज हो रही है, वाणी खिल चुकी। दिव्य वाणी के बाद प्रभु अब देखते हैं अपन, अपने हृदय कमल पर प्रभु विराजमान है। अपने हृदय कमल में समोशरण की रचना हमने की है और अब प्रभु अपने हृदय कमल से विहार कर रहे हैं।
जो भव्य दिव्य शमो शरण में सभा मंडन में उपदेश नहीं सुन पाए, जो सभा मंडप में बारह कोठों में नहीं बैठ पाए, उनके लिए आर्य खंड में भव्य जीवों के भाग्य से प्रभु का विहार हो चुका। देखिए, प्रभु का विहार हो चुका, विहार हो चुका, समो शरण से प्रभु चल दिए। अनियत विहार, कुछ पता नहीं रहता। भवि भागन वश जोगे विषाय, भव्य जीवों के भाग्य से प्रभु का विहार हो चुका। देवता गण भी विमान के द्वारा प्रभु के साथ चल रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे जैसे प्रभु चल रहे हैं, सौधर्म इंद्र उनके चरण कमलों के नीचे, चरणों के नीचे कमल विराजमान कर रहा है। सात दिशाओं में, सात विदिशाओं में, बीच में एक मध्य में 15-15 स्वर्ण कमल की रचना करते चले जा रहा है। प्रभु के विहार में रिद्धिधारी के बल से रिद्धिधारी भगवान उनके साथ चल रहे हैं। देवतागण अपने विमान के द्वारा चल रहे हैं। भगवान के साथ सभी विद्याधर अपनी विद्याओं के बल पे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन बिचारे जो श्रोतागण चल नहीं सकते थे विमान आदि जिनके पास नहीं, वह वहीं पर रोने लगे कि प्रभु का विहार क्यों हो रहा है, हमें और वाणी सुनना है। उनके हृदय से निकल रहा है, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। श्रोतागण बैठे बैठे रोने लगे, रो रहे हैं कि प्रभु का विहार क्यों हो रहा है, अभी हमारा आत्मकल्याण बाकी है। लेकिन भवि भागण बस जोगे विसाए, जो भव्य जीव सभा मंडप में नहीं आ पाए, उन आर्य कंड के भव्य जीवों के लिए प्रभु ने विहार कर दिया। और आप देखोगे प्रभु के लाल लाल नख और लाल लाल स्वर्ण कमल दोनों की कांति प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से निकल रही है। वो तेज देखिए, प्रभु के नाखून से ऊर्जा निकल रही है। देखिए उस ऊर्जा को, देखिए उस ऊर्जा को, और उस ऊर्जा को अपने इंडोक्राइन ग्लैंड नर्वस सिस्टम से अपने अंदर ले लीजिए। उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लीजिए। देखिए आपके एक एक सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। उस ऊर्जा से वो प्रभु के चरण के नाखून से जो व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आपके एक एक सेल तैर रहे हैं। एक एक सेल्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है। पूरे सेल्स आपके अंदर तैर रहे हैं। जितनी भी निगेटिविटी कुविचार सारे आपके शरीर से बाहर जा रहे, सारी आधी व्याधि रोग आत्मा में लगे, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग कली कुंड आदि सारा आपके शरीर से बाहर जा रहा, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। और हवा में विलीन हो रहा है, हवा में विलीन हो रहा है, विलीन हो रहा है। आप अपने अंदर के आत्मा के स्पंदन को, वाइब्रेशन को महसूस करिए। मन वचन काय के योग के इस परिस्पंदन से हमारे आत्मा में जो परिस्पंदन हो रहा है, उस वाइब्रेशन उस परिस्पंदन का महसूस करिए, उसकी ऊर्जा को महसूस करिए। साधु रमता जोगी बहता पानी जैसे होता है,
जय जय का मंगल नाद हो रहा है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो प्रभु जय हो प्रभु जय हो प्रभु। प्रभु का मंगल विहार चल रहा है, मंगल विहार चल रहा है, जय जय का नारा लग रहा है। और अब प्रभु बोल रहे हैं 12 13 14 14 13 14 15 16 जैन धर्म का बच्चा बोला। क्या बोला? जय महावीर। जोर से बोलो जय महावीर। अब प्रभु जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां सौधर्म इंद्र की भक्ति नहीं रुक रही, समो शरण की रचना करते चले जा रहा है और प्रभु की वाणी खिलते जा रही है। देखिए ओम के स्वर में प्रभु की वाणी फिर खिल रही है। प्रभु अपने धर्मोपदेश दे रहे हैं और कितने ही भव्य जीव उस धर्मोपदेश को सुनकर अपने आत्मा का कल्याण कर रहे और प्रभु के पहले ही मोक्ष चले जा रहे हैं। अभी तो प्रभु विहार में है, मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं आर्यखंड में, लेकिन उनका धर्मोपदेश सुनकर कई भव्य जीव भवि भागण वश जोगे वसाए। भव्य जीवों के भाग्य से प्रभु का वाणी से धर्म की प्रभावना हो रही और कितने ही जीव आप देखोगे भगु प्रभु के पहले ही मोक्ष की प्राप्ति कर ले रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। कितने जीवों का आत्म कल्याण हो रहा है। बिहार रूपी महावायु से अपने जीवन को सुशोभित कर रहे हैं। बिहार रूपी महावायु और प्रभु के लाल लाल चरण कमल से चलते समय जो उनकी मुकुट है वो भी देवगण के मुकुट भी कंपायमान हो रहे हैं, कंपित हो रहे हैं। और बिहार रूपी महावायु से और उनकी धर्म प्रभावना से कितने ही जीव अपने जीवन की वायु को रोक रहे हैं और मोक्ष रूप में अपना स्थान बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसा उदित होता हुआ सूर्य कितने ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर रहे। अब थोड़ा सा मन में विचार आ गया कि हे प्रभु आपने कमल ही क्यों चुना, कमल पुष्प को ही क्यों चुना। हमारे भी अंदर चिंतन की धारा शुरू हो गई। हम भी अपने बारे में विचार करने लगे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। आर्य खंड में जन्म लेकर भी मैं म्लेच्छ खंड की प्रवृत्ति कर रहा हूं, वो म्लेच्छ खंड जहां धर्म का नामो निशान नहीं। मैं उस टाइप की प्रवृत्ति कर रहा हूं, इस प्रकार का विचार मन में आ रहा है। और ये भी विचार चल रहा है कि कमल पुष्प को ही क्यों चुना गया। थोड़ा विचार करिए, सोचिए। क्योंकि कमल जलते भिन्न कमल है, कीचड़ में खिल रहने के बाद भी वो ऊपर ही रहता है। कितना भी जल आ जाए, कीचड़ आ जाए, फिर भी कमल ऊपर ऊपर ही रहता है। और एक समय में ऐसा होता है जैसे सूर्य उदित होता है और कमल खिल जाता है, इसी प्रकार से यहाँ कमल को लेने का तात्पर्य है कि हम भी हमारे जीवन को ज्ञान रूपी सूर्य से, प्रभु की धर्म प्रभावना से, प्रभु की वाणी से हम भी हमारे जीवन को कमल पुष्प की तरह उदित करें, प्रकाशमान करें, खिलाए। हम भी संगे पंचेंद्र रूपी पुष्प है, हम भी अपने कमल को ऐसे ही खिलाए सूर्य के ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से। इस प्रकार का संदेश हमें मिल रहा है कमल से।
ऐसी वायु बिहार की कि मात्र उनके वायु बिहार रूपी वायु हमारे हृदय स्थान में छू रही है और हमारा भी हृदय परिवर्तन हो रहा है। हम देख रहे हैं भोगों से संसार से निर्लिप्त होने की शिक्षा हमें ये कमल प्रदान कर रहा है। देखिए इस कमल को, आप उस कमल को देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि यह कमल हमें क्या शिक्षा दे रहा है। यह कमल हमें यह शिक्षा दे रहा है कि संसार में रह के भी संसार से आप अलिप्त रह सकते हैं। संसार दुखम जे नर्विरक्तम, शरीर दुखम जे नर्विरक्तम, भोग दुखम जे नर्विरक्तम। संसार के सागर में मिलते न किनारे हैं, आजा प्रभु अब तो हम तेरे सहारे हैं, आ जाओ प्रभु अब तो हम तेरे सहारे हैं। जीवन का सफर लंबा, राहों में अंधेरा है, आँखों में भरे आंसू, दुख दर्द निघेरा है, दुख दर्द निघेरा है, दर दर में भटके हैं, तकदीर के मारे है, दुख दूर करो भगवन हम तो दुख यारे हैं, आ जाओ प्रभु अब तो हम तेरे सहारे हैं, आ जाओ प्रभु अब तो हम तेरे सहारे हैं। हे प्रभु अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। आप जिस कमल पुष्प से चल रहे थे वो तो एक बार मुरझा भी सकता है, वो तो जड़ है प्रभु, लेकिन मेरा हृदय रूपी कमल जो है ये हमेशा उदित रहने वाला चैतन्य गुण से संपन्न है। प्रभु आओ, प्रभु आओ, मेरे हृदय कमल में विराजमान हो जाओ। तेरे चरण द्वय प्रभु वर रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे ही सदा चरणों में तेरे। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हाथ पाव सारे, किंतु एक ना अंश उसमें घुसता है प्यारे। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है पर एक भी अंश उसके अंदर नहीं रहता, उसी प्रकार हे प्रभु मैं इस संसार में रहता जरूर हूँ, लेकिन यह संसार मेरे अंदर प्रवेश ना करे यही भावना भाता हूँ, यही भावना भाता हूँ। कमल के समान संसार में रहूं पर संसार मेरे अंदर ना रहे प्रभु, ये संसार मेरे अंदर ना रहे प्रभु। सुगंधित सुंदर कमल शीघ्र ही परमात्म पद को प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को कमल की भांति समर्पण कर परमात्म पद को प्राप्त करने के भाव आ रहे हैं। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ प्रभु, समर्पित कर रहा हूँ।
समर्पित कर रहा हूँ। कमल की भांति मैंने भी अपने आप को समर्पण कर दिया। भक्तात्मा ने परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, समर्पित हो गए। मेरे हृदय में प्रभु विराजमान हुए और मैं समर्पित हो गया। मैं स्वयं कमल पुष्प बनकर भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में पूर्णता समर्पित, जिसमें विशुद्ध परिणामों की कोमलता, संयम के पराग की सुगंध, जिस प्रकार कमल कोमल होता है, इसी प्रकार मेरे विशुद्ध परिणाम की कोमलता लिए, संयम को धारण करे हुए, पराग की सुगंध को लिए हुए और वैराग्य की सुंदरता को ले लिया हूं मैंने, और वैराग्य की सुंदरता नियम से मुझे वह कोमल सुगंधित सुंदर कमल बनकर परमात्मा पद को प्राप्त कराएगी, और मैं वो परमात्मा पद को प्राप्त कर रहा हूँ। जन्म जन्म की आदि व्याधि, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग दूर हो चुके। कलु कुंड मृत्यु पे मैंने विजय प्राप्त, कली कुंड दंड मृत्यु पे मैंने विजय प्राप्त कर ली। संसार रूपी काल कोठरी को छोड़ चुका हूँ प्रभु। स्वयं को कमल की भांति आपके चरणों में परमात्मा प्राप्त करने, पवित्र भावना प्राप्त करने समर्पित होकर मैंने अपनी भावना को पवित्र कर लिया। शुद्ध 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 हो चुकी, विशुद्ध 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 हो चुकी, शुद्ध 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 हो चुकी मेरी भावना, और मेरी आत्मा शुद्धात्मा बन चुकी। सूर्य के प्रकाश के समान मेरा भी आत्म ज्ञान रूपी प्रकाश खिलखिला रहा है, और अब मैं भी स्वयं खिल रहा हूँ कमल पुष्प के समान, और दूसरों के भी खिला रहा हूँ। मैं स्वयं महक रहा हूँ और अपनी महक से पूरे संसार को महका रहा हूँ। उनके भी आत्म कल्याण की भावना भा रहा हूँ। मैं अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होकर आत्म पद को आत्मा रूपी सिंहासन पर विराजमान हो चुका, और एक मंत्र जाप, ओम राम रीम श्रीम क्लीम रूम राय राम ह्रीं रूम नमः। और ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है सर्वांग निजात्म प्रदेशों से। ओंकार की ध्वनि झरने लगी। कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। निज द्रव्य का जगमाग प्रकाश हो चुका है।
निज द्रव्य में, निज द्रव्य का जगमग प्रकाश हो रहा है। वास्तव में जो सुख धर्म की शरण में आकर, देव शास्त्र की गुरु के शरण में आकर प्राप्त हुआ, वह संसार में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, समीचीन जैन धर्म, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, जो संसार से पार कराने वाली नौका, हमने उसका आलंबन लेकर आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया। इसी पवित्र भावना के साथ दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और हैंड रूपी चैनल से हैंड रूपी चैनल से सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम का नारा। सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम। अपने आज्ञा चक्र से अपने अंदर एनर्जी लेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलिए, दोनों हाथों का घर्षण करिए और पूरे शरीर में स्पर्श करिए। ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम। परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, सोहम सोहम सोहम। सबको जय जिनेन, सबसे क्षमा, सबको क्षमा उत्तम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। रश्मि देवी अनम्यूट करिए। निर्मला जी, रश्मि देवी जी बोलिए। ध्यान बहुत अच्छा कराती है, ध्यान बहुत अच्छा लग रहा। तो मेरा ना तबीयत बहुत खराब रहने लगा, हाथ और में सूजन आ रहा है। हाँ निर्मला जी, जय जिनेन दीदी। आज तो आपने आचार्य श्री का विहार करा दिखा दिया बिल्कुल। आज सुबह सुबह नींद में उठे जब आचार्य श्री का व्यवहार देखा, और आज आपने ध्यान में भी व्यवहार ही दिखाया मुझे लगा। और दीदी मुझे एक बात ये पूछनी थी कि मैं जो लिख रही हूँ आपके भक्तामर जी का पूरा, उसमें यूट्यूब पे लिखा है नंबर 17 और आप पढ़ रहे हैं 18 नंबर। 17 नंबर का श्लोक लिखी है उसमें, मैंने व्हाट्सअप भी किया था आपको। अच्छा, हाँ उसमें नीचे लिखा है नंबर 17 और आप उसमें पढ़ रहे हैं 18 नंबर। मुझे 17 नंबर कहीं मिला नहीं उसमें, मैंने आपको व्हाट्सएप किया। 17 नंबर का ध्यान नहीं मिला? नहीं, उसमें 17 नंबर नीचे लिखा है यूट्यूब में कि 17 नंबर है और आप उसमें पढ़ रहे हैं 18 नंबर। थोड़ा आगे करके देखा आपने उसको? हाँ, मैंने पूरा लिखा ना, फिर वही वाला लिख लिया मैंने, 18 नंबर ही लिख लिया। तो 17 नहीं है उसमें?
हाँ ये मैं देखिए मैंने पूरी बुक भर चुकी है पूरी। देखना पड़ेगा कुछ हो गया होगा, डबल एक्स्ट्रा तो नहीं है? नहीं अभी मैंने फिर 19 नंबर चालू किया है वापस से, पर उसमें हो 18 गए नंबर। लिख के हो गए आपके? कितने लिख के मैंने हो गए? अभी बीच में मेरा क्या, कभी जहाजपुर चले गए, कुंडलपुर चले गए, फिर भी बच्चों की एग्जाम आ गई तो मैं लिख नहीं पाई और वापस से शुरू किया मैंने, तो मेरे 20 नंबर जितने तक भी हो हुआ। गए ना सुनो, जितने भी हो गए सब मेल करते जाओ, या तो टाइप करके कोरियर करके भेज दो जितने हो गए, किसी हिंदी टाइपिंग वाले से टाइप करवा लो तो और कोरियर करो। मैं पूरी बुक ही भेज दूँ ना मैडम करके, पूरा पूरा 48 करके भेजू नहीं तो? थोड़ा भेजूंगे तो, जब तक मैं यहाँ टाइप के लिए, फिर मेरे चेक भी होते जाएंगे ना थोड़े थोड़े, बुक में डालना है ना अच्छा तो तो फिर बहुत लंबा इसको, टाइम हो जाएगा। जितने हो गए उतने भेज दोगे तो मैं यहाँ हाँ टाइप करवाना उसको और सुधार करना, चेक करना, ये सब काम शुरू कर दूंगी। ओके। पर मैंने उसमें वो अभी नहीं बनाया सिंबल, मैंने सोचा था मैं इकट्ठे बनाऊंगी बैठ के। नहीं सिंबल तो मैं डाल दूंगी बुक अच्छा में। अच्छा हाँ मुझे ठीक, ध्यान चाहिए लिखे हुए, क्योंकि मैं इतना लिख नहीं पाऊंगी ना, अभी मैंने ध्यान भी इतना लिखा लिख है। नहीं नहीं पाऊंगी अब इतना सारा मैंने, मैं ध्यान भी ध्यान लिख रही चाहिए मुझे बस। हूँ, मैं ध्यान भी लिख रही हूँ और साथ में पूरा भक्तामर्जी भी लिख रही हूँ, जो आप समझा रहे वो वो भी लिख रहा है वो, भी लिख। ठीक है ना, अर्थ के साथ ध्यान बना देंगे, थोड़ी बुक ज्यादा मोटी बनेगी। धन्यवाद हाँ मैंने वो पूरा ही लिखा है मुझे धन्यवाद 17 नंबर नहीं मिला है, आप देखिए एक बार। धन्यवाद धन्यवाद। क्या हो रहा है, पूरा अर्थ तो बता नहीं सकते, समय लिमिटेड है, थोड़ा पहले हाँ अर्थ बता दो, कुछ बाद में ध्यान में बता दो। हाँ नहीं 17 नंबर आप फिर से देख लीजिए। हाँ मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ, आपने पॉइंट आउट किया है। हाँ हाँ चिराग जय ललानी, जिनेन्द्र दीदी, बबीता बोल रही हूँ। दीदी आपने बहुत ही सुंदर आपने ध्यान कराया, इतना सुंदर ध्यान करा। बीच में जब आपको एक जो भाव आया, आप रोने लगे थे ना, तो मेरे को लग रहा था मेरे को वो भाव आए, मैं भी ऐसी मतलब क्यों विहार कर रहे हैं। आप जब एकदम भावुक हो गए थे, मेरे को अंदर से रोम रोम खड़े हो गए, कि दीदी कैसे, दीदी को हो रहा है कि भाव में कि दीदी बह गई है, वही भाव मेरे को भी आए। भगवान मेरे मतलब उस टाइम पूरे बदन में मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे दीदी। अच्छा बहुत ही अच्छा कराया आपने, बहुत ही अच्छा। आज का बहुत आनंद आया, आज का रोज ही हम लेकिन ऐसा बोलते कि आज का आनंद आया, ऊपर दीदी से पता आज नहीं। आप जो जब जा रहे थे ना, आप में जो भाव आ रहे थे ना, तो वो लग रहा था वही भाव हमारे में भी उतर रहे हो। अच्छा बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू दीदी। रोज ही ऐसा लगता है आज का अच्छा, आज का अच्छा, फिर कल अच्छा आ जाता है, फिर कल अच्छा बन जाता है। और रात में तो 1 बजे तक तो हम लोग वहां प्रोग्राम में ही थे, उसके बाद रात में मैंने थोड़ा सा देखा कि कल क्या करना है, क्या क्या बोलना है ध्यान में। आने के बाद प्रोग्राम के रात में जो अवार्ड मिला, उसके बाद मैंने रात में देखा, जैसा बोल रहे थे ये क्या कर रही है, सो जा, बोले कल मत करवाना, बोली नहीं थोड़ा सा देख लेती हूँ, वो तो फिर अपने आप हो जाता है। कराते तो हम लोग मिस नहीं फिर रात में मैंने उसकी करते। स्टडी की कल कैसा ध्यान होगा। दिन भर तो टाइम नहीं मिलता है ना, सारे दिन तो आना जाना इधर उधर सब और लगा ही शुरू में रहता है, आपने जो ड्यूटी आ रही है। पहले का रिवीजन कराया तो वो तो और भी अच्छा था, कि ध्वज वो अपने ध्वज कर रहे हैं, छत्र हो रहा है, फिर उसके बाद अपन लोग चले, तो बहुत ही अच्छा लगा। चलिए थैंक यू। हाँ सुमन लता जी, इनके बहुत रोज नए सुंदर नए ध्यान एक्सपीरियंस दीदी, रहते हैं सुमन जी के। हाँ बहुत सुंदर ध्यान दीदी, पूरा आपने जो आज इमोशनल सब कुछ कर दिया एकदम, दोनों हाथों में इतनी एनर्जी, और ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु के चरण ही हैं, विद्यासागर महाराज दिखे बिल्कुल गोल गोल एकदम, उसमें जो है ऑरा था उनका और उसके अंदर वो चलते हुए चले जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती दीदी, बहुत अच्छा था। और विद्यासागर दीदी महाराज जी बिल्कुल के, विद्यासागर महाराज जी के चरण कभी देखना, जैसे मैं हमेशा देखती हूँ, मुझे इस समय आज जो है वो बाहुबली भगवान के जो श्रवण बेलगोला में स्थित है ना, उनके चरण दिखाई पड़े इतने लाल लाल चरण है जी। रक्त से मिश्रित, जैसे हम बता रहे थे ना अभी, प्रभु के चरण लाल होते हैं नाखून, ऐसे ही आचार्य गुरु और विद्यासागर जी के, वो चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूलों के समान चल रहे हैं, उनके जी भी चरण ऐसे ही है प्रभु के चरण जैसे। नहीं वो उनके लगते चरण ही देख फूल लो ऐसे इतने हैं कोमल, कि उनके
उतने कोमल चरण है आचार्य गुरु विद्यासागर जी के, इतने नाजुक इतने कोमल, कुछ पूछो ही मत, बहुत कोमल चरण है कमल के समान। बिल्कुल वैसा ही सब कुछ लग रहा था हाथों में। तो मैं ये वाला श्लोक पढ़ती हूँ ना दीदी, तो मैं हमेशा हाथ ऐसे कर लेती हूँ, मतलब आगे की तरफ इस तरीके से रख के, तो पढ़ते समय तो मुझे हमेशा हाथ भारी लगने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे कमल कल आया है। और दीदी जो अभी वो बोल रही है 17 नंबर श्लोक का, तो वो 17 नंबर श्लोक तो है रोज गल रहा है। मैं 17 नंबर श्लोक में आपने तीनों लोगों का वर्णन किया है ना अपने शरीर को बनाकर। एक मिनट 17 नंबर श्लोक तो है मैडम, पर उसमें 18 नंबर बोला हुआ है। मैंने सुनिए आप 17 नंबर श्लोक का ध्यान में दीदी, आपने तीनों लोगों का वर्णन बनाया था ना, अधो लोग धर्म लोग इस तरीके से बताया था ना पूरा। और मैंने सूर्य का बताया है उसमें, मैंने पूरा सूर्य की महिमा बताई है, मैंने उसमें ये एक्सपीरियंस दिया था कि पूरा सन निकल के मेरे बैक में आ गया था, ये फील किया मैं दोनों हाथों में आ गए थे। तो मैंने उसको 2-3 बार किया है मतलब, पर दीदी मुझे यूट्यूब पर नहीं मिला इसलिए। ठीक है मैं चेक कर लूंगी, चेक कर लूंगी। आप ये बोल रहे थे फिर से शेयर करके वीडियो, हाँ आप भी देख लीजिए जी दीदी, और ध्यान के वीडियो सुमन लता जी के पास दे दीजिए 2-2 मिनट के बना के, ध्यान के एक्सपीरियंस के 48 श्लोक के 48 हमें एक्सपीरियंस के वीडियो चाहिए एक बात। और दूसरी बात, एक बार बोला था बीज अक्षर के एक्सपीरियंस के लिए, तो आप तो लिख के देना है। हाँ एक पेज आ जाए कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं, एक पेज हमें लिख के दो, बुक छप रही है जल्दी दे दोगे, आजकल में तो डल जाएगा क्योंकि बुक अब प्रिंटिंग होने वाली है, नई बुक आ रही है जो, तो फोटो के साथ एक फोटो दो और एक लिख के दो अपना फोटो अपनी देनी है जिसको हुआ फोटो अपनी देनी है, ये जिसको फायदा हुआ उसको देनी, उसकी देनी, और जिसको फायदा हुआ वो दे अपनी, अपना एक्सपीरियंस डालो कह रहे प्रमाण सागर जी बीजा साक्षर का, बोले सबके वो दलवाओ एक्सपीरियंस बुक में। हाँ देखो फेसबुक पे IVS हीलिंग सेंटर के फेसबुक पे चेक कर लो आप निर्मला जी, जी बिल्कुल IVS हीलिंग सेंटर के फेसबुक पे चेक करो दीदी, आप इनका लिंक दे दीजिए। बिल्कुल देखती हूँ मैं, है ना। हाँ अच्छा मुझे एक बात और पूछनी थी दीदी, मेरी जो सिस्टर है उनकी सासू माँ को पूरे गले में बहुत छाले हो गए, वो पानी भी नहीं पी रहा है, पी पानी है तो कुछ हम लिखो उनके गले पे हम। हाँ वो तो मैंने बता दिया उनको, वो पहले माता जी भी रह चुकी हैं पर अब उनको इसी वजह से कपड़े पहना दिए गए हैं और वापस से गृहस्थ आश्रम में आ चुकी हैं, पर वो बहुत तकलीफ है उन्हें। उनको हीलिंग वीडियो कॉलिंग से दे दूंगी अभी जोड़ दो। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी एक और फोन आ रहा था हीना गाला, हीना गाला जी जुड़ी है क्या आप हीलिंग के लिए? हीना गाला जी दीदी हीलिंग दे, अशोक बख्शी को हीलिंग दे दीजिए। हाँ मैंने लिया था उनको स्पॉटलाइट पे, हीना गाला दिख नहीं रही है। चलिए उनको भी अंगूठी में लगा है तो उनके लिए भी हीलिंग, चलो जिस जिस से भी हीलिंग चाहिए हीलिंग ले लो, बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। भूत भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचम दशा मुपगता शुद्ध जीविताशा कद पाद पंकज रजो मृत दीग देहा मत्या भवन्ति मकरत ध्वजत रूपा। ओम नमो भगवती सुतोपजो शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम भगवते भय भीषण हराये नमः। ओम रीम रमण मो अखीन मन क्षण
झुम झुम नमः स्वाहा आ आ आ आ आ आ आ स्वास्थ्य स्वरूपम् परम स्वास्थ्य स्वरूपम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। प्रतिक्रमण कर लिए, ये देखिए दिखा रही है हमारे सुमन लता जी, अनम्यूट करिए सुमन लता जी, अनम्यूट करिए। लिखा है 17 है यूट्यूब पे, लेकिन वो कह रहे कि 18 बोल रहे हैं। नहीं 18 नहीं बोल रहे, 17 ही बोल रहे। दो बारी 17 लिखा हुआ है, 18 नंबर लिखा ही नहीं है। तो जो पहला वाला है वो 17 नंबर है, नेक्स्ट वाला जो है 18 नंबर है। तो नंबर गलत हो गए क्या? ये दो बारी 17 नंबर लिखा हुआ, 18 नंबर लिखा ही नहीं। हाँ 18 कर देंगे एक को। हाँ 18 नंबर नहीं लिखा है, और ये पहला वाला जो है वो 17 नंबर। अच्छा, फिर दूसरे को 18 नंबर दे देंगे, नंबर ही गलत हो गई। हाँ वो नंबर गलत हो गया है। हाँ, तो मुझसे बोली जो पहला वाला है वो आप कर लीजिए, उसको देखिए सुनिए, तो पूरा 17 नंबर है। हाँ पहला 17 है, दूसरा 18 है, आप सुन लीजिए ना कैसे सूर्य बनता है, आपने ही बताया था। हाँ हाँ, उसका सूर्य का परिवार वगैरह मैंने सब बताया है ना, इसमें कितने सूर्य है, कितने चंद्रमा। ये देखो, हाँ ये सिंबल भी दिख रहा है। आपको एक बार किया है, इसलिए मैं चार पांच बार। अरे बाप रे, मैं एक बार भी ध्यान कभी कोई करती रहती हूँ। अरे बाप रे, मैं सोच रही हूँ कितने बार, तो मेरा टाइम ही नहीं मिल पाता कि एक हाथ बार मैं देखूँ तो सुनूँ तो क्या बोल रही हूँ। नहीं दीदी, मैं क्योंकि ये सब ध्यान मेरे पहले से बने हुए नहीं है ना, कल लेना है तो उसको आज ही मैं तैयारी करती हूँ, जैसे रात में ही तैयारी करती हूँ, वो भी 11 बजे के बाद। दिन भर तो समझ में ही नहीं आता वो हीलिंग ये वो कैसा दिन चला जाता है। मेरा ध्यान लिखने से ज्यादा सुनने पे ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा बॉडी में फील होता है, इसलिए मैं करती रहती हूँ ऐसे एक एक ध्यान। अच्छा। कभी कोई निकाल लिया वो करती रहती। नहीं बहुत अच्छा है जी भैया, तो दोपहर में थोड़ा सा अपने को यदि आराम करने की इच्छा है तो एक ध्यान बाजू में लगा लो और बैठ जाओ सामायिक लेके। आपकी 48 मिनट की सामायिक आराम से हो जाएंगी, पूरा मीनिंग ध्यान सब हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए प्रतिक्रमण करेंगे दोनों हाथ हृदय कमल। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा, समरम समारम वारम द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा, सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो और श्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
मैं आपके चरणों में अपने कृत्य की निंदा करता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ। अहंकार और अज्ञानतावश जो पाप किए उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात पूछा हो, उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे प्रभु, और भावना भाता हूँ, जब भी इस संसार से जाऊं समाधि संलेखना पूर्वक जाऊं, इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर इस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके जाऊं और साधु संतों के पाद मूल से ही जाऊं, इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय। सोहम 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 आनंदोहम ज्ञानोहम, आनंदोहम ज्ञानोहम। ओम सुखम ओम शांति सबको जय, जिन्हें सबसे क्षमा सबको क्षमा उत्तम क्षमा। बोलिए अरिनाथ भगवान की जय। जय साधना बोथरा जी, कुछ बोलना है? बड़े पापा का लड़का है, अभी 2 साल हो गए उसको कोविड से ना, यही नहीं हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है उसको, कुछ दवा खाने में भी उसको अभी बहुत 2-3 बार एडमिट करके भी कुछ ये नहीं हो रहा है, वो कवरी नहीं हो रहा है। तो उसका फोटो भेज दूं क्या मैं आपको? भेज दो। चलेगा, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत उसको तकलीफ भी हो रही है, बहुत परेशान हो गया अभी सब घर के भी, बार बार उसको दवाखाने में एडमिट करना पड़ रहा है। 2 साल हो गए उसके साथ में, भी उसकी मम्मी भी गुजर गई, भाई भी गुजर गए, अभी ये छोटा है, उसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी है। अच्छा। हाँ, घर के भी अभी बहुत परेशान हो गए दवाखाने में, वो भी खुद परेशान हो गए दवाखाने, दवाखाना पर करके भी। ठीक है, भेज दो, हमें लिंक दे देंगे। चले, धन्यवाद दीदी। ठीक है, देखिए कल हमारे मतलब एक मौसिया जी, कजिन मौसिया जी, कल अष्टमी का दिन था, उनका देह विसर्जन इतना शांत भाव से कल हुआ। कल अष्टानी का भी प्रारंभ हुए, अष्टमी का भी दिन था, परसों अष्टमी थी, उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ की, भोजन आदि किया और सब त्याग कर दिया, और त्याग करके लेटे तो बाद में उठे ही नहीं। दोपहर में शाम का समय था, 4 बजे थे जब भगवान की वाणी फिरती है, 4-5 का बीच का समय था। तो अष्टमी के दिन, अष्टांका के प्रथम दिन देह विसर्जन होना किसी का ये पक्का है कि वो स्वर्ग में जाके देव बने हैं, और नंदीश्वर दीप जाने की भावना उनने कभी भाई होंगी मोसिया जी ने हमारे, कि मुझे नंदीश्वर दीप जाना है और प्रभु की भक्ति करना है, ये भावना कभी भाई होंगी। जो अष्टांका के प्रथम दिन उनका देह विसर्जन हुआ, इस समय स्वर्ग पूरा खाली होता है, लेकिन उनने जब जन्म लिया होगा तो सारे के सारे देव उनको लेने आए होंगे, और अपने साथ सारे देवों ने उनको अपने साथ नंदीश्वर दीप लेके गए होंगे, और वहां वो नंदीश्वर दीप में 108 108 इतनी महान स्वर्णमयी बड़ी बड़ी पद्मासन मूर्तियां, उनका अभिषेक पूजन पाठ भक्ति निश्चित ही वो कर रहे होंगे। ऐसे अति भाग्यशाली जीव होते हैं, हमेशा अपना जीवन त्यागमय बनाए रखते थे, उनकी वाइफ भी बहुत जगह प्रवचन आदि करने जाते थे, मौसी जी हमारी वाइफ साड़ी वो पहनती थी, गृहस्थ में थी लेकिन दोनों के ब्रह्मचर्य व्रत चल रहे थे,
और बहुत धार्मिक, बहुत ज्ञानवान, हमेशा अपना जीवन त्याग में, संयम में व्यतीत करना, एक पल भी बिना त्याग के नहीं रहते थे। हमेशा उनका त्याग हमारे बाबूजी के समान ही, इतना अच्छा शांति से उनका देह विसर्जन हुआ। निश्चित ही आज वो नंदीश्वर दीप की यात्रा कर रहे होंगे, अष्टांका के प्रथम दिन, अष्टमी के दिन व्रत उपास के साथ त्याग करके देह विसर्जन होना, यानी स्वर्ग में। इस समय पूरा स्वर्ग खाली रहता है, लेकिन कोई जीव का जब जन्म हो जाता है पहले दूसरे स्वर्ग में, तो पूरे के पूरे देव उन्हें लेने आ जाते हैं और अपने साथ नंदीश्वर दीप लेके जाते हैं। और वहां अष्टानिका महापर्व में बहुत भक्ति चलती है, पूरा अभी देवलोक खाली पड़ा रहता है, पूरा खाली रहता है, सब नंदीश्वर दीप में तीन बार चार बार सारे दिन, दिन रात का कोई भेद ही नहीं है, दिन रात पूजा पाठ भक्ति वहां चलती रहती है। तो इस प्रकार से बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं। हमारा भी ऐसे ही देह विसर्जन होए, हम भी प्रतिदिन भावना भाए, हम भी ऐसी भक्ति करें। तो मेरी बहन थी ना दीदी, उन्हें आपको भेजा था और सिटिया करके नगर के, उनको भी संतरा दिया था परसों के दिन, शांत हो गई अभी अष्टमी के दिन। हाँ संतरा दिया था, पहले दिन सागरी संतरा दिया था, फिर बाद में महाराज ने आके सवेरे संतरा दे दिया, फिर दोपहर में 9-10 बजे शांत हो गए थे। अरे वाह, देखो अष्टानिका के दिन वो शांत हुई, संथारा ली, समाधि संलेखने वाला जीव का तो 100% स्वर्ग का रिजर्वेशन हो जाता है, उसे तो टिकट मिल जाती है, तत्काल की और विंडो टिकट की भी जरूरत नहीं है, उसका रिजर्वेशन ऑटोमेटिक सहज हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, चलिए एंड करेंगे सेशन को। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। विजय लक्ष्मी गंगवाल अनम्यूट, क्या हो गया बोलो दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, आपका सेशन बहुत बढ़िया होता है, रोज अच्छे नए नए तरह के ध्यान करवाते हो आप, विजय लक्ष्मी बहुत अच्छा लगता है। विजय लक्ष्मी जी थैंक यू, थैंक यू दीदी। मेरी मेरे को पैरों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, 4-5 दिन हो गए, और पीठ में भी बहुत दर्द हो रहा है, पीठ कमर सब, उठने की इच्छा नहीं हो ना, नाभि पे अभी मैंने हीलिंग दिया ना, आपने हीलिंग नहीं दिया अभी? हाँ मैं 1 सेकंड उठ गई थी, जब तक हीलिंग ही हो गई। अच्छा पेट पे अलिख के, पेट हाँ। पे अलिख के 12:30 बजे ट्रेनिंग में जुड़ जाओ। अच्छा। आज सैटरडे है ना, 12:30 बजे वाली ट्रेनिंग में जुड़ जाओ, उसमें मैं आपको हीलिंग दे दूंगी, अभी समय हो रहा है, अभी है मेरी पूजा वूजा सब बाकी है, 12:30 बजे जो क्लास होंगी ना उसमें जुड़ जा। ठीक है, चल जय जी, जय जी। 11 बजे कहते, 12:30 बजे ठीक है दीदी, 11 से 12:30 हो नहीं, 11 से 12:30 चलती है ना, 12:30 पे खत्म होंगी तो मैं इनको हीलिंग दे दूंगी। चलेगा चलेगा, ठीक है दीदी। आपने यही सेशन पे ना दीदी, इस पे ही ना? हाँ इसी लिंक पे है, और शाम को आकाश जी की क्लास भी है, और शाम को 7 बजे आकाश जी की, आज सैटरडे को, हाँ आज नहीं होंगी सैटरडे को, और